आज भारतीय जनता पार्टी ने अपने सात लोकसभा के उम्मीदवारों के साथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और सात सांसद अगर जीतते हैं तो 100 दिन में क्या कमाल करके दिखाएंगे वो बताया। और इससे बड़ा कमाल ये किया कि 10 साल के अंदर सात सांसद भारतीय जनता पार्टी की जीत के आ रहे हैं, उन्होंने क्या कमाल किया अभी तक वो नहीं बताया। दिल्ली की जनता को बेवकूफ समझती है भारतीय जनता पार्टी। 100 दिन में चांद को दिल्ली में लाएंगे भारतीय जनता पार्टी के सांसद, मगर 10 साल में क्या किया ये नहीं बता रहे। मैं आज आम आदमी पार्टी की तरफ से सात सवाल भारतीय जनता पार्टी के लिए लाया हूं कि दिल्ली में वैसे तो रोज ही कोई ना कोई जरूरत सांसदों की रहती है, मगर जब सबसे ज्यादा दिल्ली में सांसदों की जरूरत पड़ी तो दिल्ली के भारतीय जनता पार्टी के सात सांसद पिछले 10 साल से कहां थे ये वो दिल्ली वाले को बताएं। सबसे पहला, दिल्ली में 2017-18 में हजारों दुकानों को सील कर दिया गया, शोरूम सील कर दिए गए, छोटे छोटे व्यवसाय बंद कर दिए गए। डिफेंस कॉलोनी का वो मंजर सबको याद है जिसमें एक बुजुर्ग सरदार जी बिलख रहे हैं, उनकी परिवार की औरतें हाथ जोड़ रही हैं एमसीडी वालों के कि हमारी दुकान मत सील करो हम बर्बाद हो जाएंगे। मगर उसके बावजूद भारतीय जनता पार्टी शासित एमसीडी और भारतीय जनता पार्टी शासित डीडीए ने मिलके दिल्ली के अंदर लाखों लोगों को बेरोजगार कर दिया और हजारों दुकानों को सील कर दिया, चाहे वो डिफेंस कॉलोनी हो, चाहे वो ग्रेटर क्लास 1 हो, चाहे वो ग्रेटर क्लास 2 हो, चाहे वो साउथ एक्स हो, चाहे वो राजेंद्र नगर हो, हर जगह सीलिंग का कहार बरपा। मैं जानना चाहूंगा भारतीय जनता पार्टी के सात सांसदों ने क्या किया वो दिल्ली वालों को बताएं। दिल्ली के अंदर पिछले कुछ दिनों से तो खास तौर पे जगह जगह गरीब लोगों को उजाड़ने का काम चल रहा है। सबसे ज्यादा डिमोलिशन डीडीए कर रहा है और एलएनडीओ कर रहा है, रेलवे कर रहा है, एएसआई ने किया। पिछले 1.5 सालों में करीब 3 लाख लोगों को बेघर किया। मुझे बताइए एक सांसद इनमें से कभी बिल्डोजर के सामने खड़ा हुआ हो, तो हम जानना चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी से कि दिल्ली के गरीबों के लिए भारतीय जनता पार्टी ने क्या किया। क्या कभी आए जहां डिमोलिशन हो रहा था? हमारे विधायक पहुंचे, हमारे विधायक लड़े, ये लोग नहीं पहुंचे क्योंकि बिल्डोजर डीडीए के हैं, एलएनडीओ के हैं, एएसआई के हैं। हमारे भिदुड़ी जी तो तुगलकाबाद से ही आते हैं, तुगलकाबाद के पड़ोस में बदरपुर है उनका एरिया। तुगलकाबाद में 2.5 लाख लोगों को बेघर कर दिया। क्या किया भिदुड़ी जी ने? कब उठाई उनकी आवाज बताएं।